एनआरसी रिपोर्ट के तहत हाल ही आसाम में लाखों लोगों पर लटकी भारतीय नागरिकता की तलवार को लेकर लोग सकते में हैं। इसमें लाखों हिंदुओं का नाम आने के बाद देश के हिंदू संगठनों ने केंद्र सरकार के सामने मोर्चा खोल दिया है। देश के पूर्वोत्तर राज्य असम में हाल ही में लागू हुई एनआरसी व्यवस्था के चलते लगभग 19 लाख लोगों पर भारतीय नागरिकता न होने की तलवार लटकी हुई है। जब से इतनी बड़ी संख्या में लोगों से उनके मूल निवास प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, लोगों में बेचैनी है। इन लोगों में लाखों की संख्या में हिंदू परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें ऊनी नागरिकता साबित करती है। हिंदुओं को एनआरसी के नाम पर आने के बाद से देश में सभी हिंदू संगठनों ने केंद्र की भाजपा सरकार को से मांग की है कि जब लाखों बांग्लादेशी भारत में रह सकते हैं तो भारत के मूल निवासी हिंदुओं का नाम क्यों काटा गया है। इस एनआरसी रिपोर्ट के विरोध में आज मुरादाबाद बजरंग दल विंग ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और देश से बांग्लादेशियों को भगाने की मांग उठाई। रोहन सक्सेना, प्रांत अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। आज राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता संपूर्ण भारत के अंदर एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम भेज रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है 31 अगस्त को जो एनआरसी की रिपोर्ट असम सरकार के द्वारा तैयार की गई, उस रिपोर्ट के अंतर्गत 15 लाख असम में रहने वाले हिंदुओं को भारत का मूलवासी नहीं माना गया, उनका नाम एनआरसी रिपोर्ट के अंदर दर्ज कर दिए गए, उनको असम के बाहर और विदेशी घोषित किया गया। जबकि 49 लाख असम के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, उनके नाम एनआरसी रिपोर्ट में नहीं है। क्या एनआरसी रिपोर्ट हिंदुओं को भारत से बाहर भगाने के लिए तैयार की गई है? राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करता है 1951 के अनुसार जो एनआरसी की रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसमें भारतीयों को मूलवासी माना गया था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो भी हिंदू भारत आए हैं उनको शरणार्थी न मानकर, भारत का मूलवासी मानकर, भारत के विभिन्न जिलों, विभिन्न प्रदेशों के अंदर, प्रांतों के अंदर उनको वहां की नागरिकता दी जाए। इस मांग को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज पूरे भारत के अंदर और मुरादाबाद महानगर के अंदर ज्ञापन दिया है।